हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर को मैं बात करने वाला हूं डीसी और लखनऊ सुपर जायंट्स के सुपर इंपॉर्टेंट मैच के बारे में। बिकॉज इस मैच का जो रिजल्ट था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बहुत सारी टीम्स के लिए, और उन इंपॉर्टेंट टीम्स में से मतलब यार एक आरसीबी भी थी जिसको मतलब यार बहुत अच्छा फायदा मिल चुका है। अब सारी चीजें आरसीबी के हाथ में है यार। अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे कि यार फलानी टीम जीतेगी तो आरसीबी को फायदा होगा, फलानी टीम हारेगी तो आरसीबी को घाटा होगा करके, लेकिन अब सिनारियो सिंपल सा है, आरसीबी को सीएसके को हराना ही पड़ेगा। और वहां पर को इन लोगों को यार एक अच्छे रन रेट से जीतना है, यानी कि या तो 18 रन से जीत जाओ तुम लोग या तो 18.1 ओवर में तुम लोग मतलब यार टारगेट चेस कर लो। तो अगर बारिश नहीं आती है आरसीबी के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होने वाला है। ऐसे जो सिनारियो है ना भाई आईपीएल में पहले भी हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस का आपको एक एपिक चेस याद होगा जहां पर को मेरे ख्याल से इन लोगों को 15.1 ओवर में चेस करना था और इन लोगों ने कर भी दिया था, तो वो लोग तो मतलब यार उतना हार्ड चीज चेस कर गए, तो आरसीबी के लिए फिर भी यार बहुत ही ज्यादा ईजी है। लेकिन एक चीज है आरसीबी के साथ, आरसीबी मतलब यार हमेशा प्रेशर में क्रम्बल कर जाती है, तो क्या ये लोग मतलब यार सैटरडे को सीएसके को हरा पाएंगे? अगर हरा देते तो यार बहुत बड़ी जीत होगी, नहीं हरा पाते तो यार भाई सेम ओल्ड आरसीबी कहेंगे। लेट्स सी आरसीबी का क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस मैच के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई। देखो सबसे पहले डीसी वालों ने कल बैटिंग की थी और सही बताओ इनको बहुत ही ज्यादा कमाल की स्टार्ट मिली। चलो जेक फ्रेजर मैकडग को तुम लोग मतलब यार अलग कर दो, बंदा शून्य में आउट हो गया था आई नो, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने पावर प्ले में 73 समथिंग रन बना दिए थे भाई। 6 ओवर में एक विकेट गिर गया था, उसके बाद भी 73 समथिंग रन बनाए, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टार्ट हुई। लेकिन किसने बनाए ये रन्स? ये रन्स बनाए अभिषेक पोरेल ने, दूसरा बनाया शाही होप ने। अभिषेक पोरेल तो जो कूट रहा था ना भाई साहब यार पावर प्ले में, बहुत कमाल की बैटिंग करके गया यार बंदा। ऑल्दो मैं चाह रहा था ये बंदा थोड़ा मतलब यार लंबा खेले, सौरव गांगुली भी मतलब यार डगआउट से वही बोल रहे थे 50 मारने के बाद इससे कि यार भाई थोड़ा आराम से खेल तुझे टिकना है करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है 50 मारने के बाद ज्यादातर प्लेयर मतलब यार आउट हो ही जाते हैं, तो ये भी मतलब यार आउट हो गया था। 33 बॉल्स में इस बंदे ने कमाल के 58 रन बनाए, जहां पर इसका जो स्ट्राइक रेट था 175 का था भाई, तो अपना काम कर गया था ये पावर प्ले में। मैं इससे मतलब यार ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर रहा था, तो इतना जो इसका स्कोर था वो मिल लिया यार सेटिस्फेक्शन लेवल वाला था। फिर मतलब यार शाही हो पाया, बंदे ने 38 रन बनाए, ऋषभ पंत आया थोड़ी देर, ये भी मतलब यार बल्ला चला रहा था, लेकिन आपको पता ही है भाई एक आर छूट जाता है इस बंदे का, तो उसी चक्कर में बंदा आउट भी हो गया, तो 33 रन में ऋषभ पंत भी आउट हो गया। लेकिन इस सीआर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स का कौन है भाई? ट्रिस्टन स्टब्स है। जिस मैच में इस बंदे ने मतलब यार बैटिंग कर रखी है जिसमें मतलब किसी दूसरे प्लेयर ने इसको आउट नहीं करा रखा है, फलाने ने कुछ ऐसा नहीं कर रखा है भाई, उस मैच में ये बंदा बहुत ज्यादा रन बना के गया। और कल भी वही मैच था भाई, अक्षर पटेल मतलब यार देखो उसका अच्छा साथ दे रहा था, 10 बॉलों में 14 रन उस बंदे ने भी बनाए, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने जो 25 बॉलों में 57 रन बनाए ना, और आखिरी में जो मतलब यार ये बंदा हिटिंग करके गया, उसकी बदौलत जो दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है आपको 208 का दिखा भाई। ट्रिस्टन स्टब्स डेफिनेटली यार भाई इस सीजन का तो यार दिल्ली कैपिटल्स का मतलब बहुत ही कमाल का भाई है यार, सही में इस बंदे को तो रिलीज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर यार लखनऊ सुपर जायंट्स की बोलिंग की बात करता हूं, अर्शद खान ने 3 ओवर में 45 रन दिए, एक विकेट ये बंदा लेके गया। मोहसिन खान 4 ओवर में 29 अच्छी बोलिंग करा के गया। युद्धवीर ने भी बहुत कमाल की बोलिंग नहीं कराई, 2 ओवर में 28 रन बिठाए यार इस बंदे ने भी। नवीन उलक ने यार भाई थोड़े रन बिठा दिए थे लेकिन 2 विकेट लेके गया, 51 रन इस बंदे ने दिए। बिश्नोई ने अच्छी बोलिंग कराई, ऑल्दो बहुत ज्यादा कैचेज छोड़े आपने देखा होगा, लास्ट में 2 कैचेज बंदे ने ड्रॉप किए थे। 4 ओवर में 26 रन, 1 विकेट ये बंदा लेके गया। कृणाल पंड्या 2 ओवर में 20 रन, दीपक हुड्डा 1 ओवर में 9 रन। तो सही बताऊं लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने यार दिल्ली कैपिटल्स वालों को बहुत ज्यादा स्कोर बनाने को दे दिया था, क्योंकि उनको भी पता है कि यार उनके पास बैटिंग है ही नहीं। जब आपके पास केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक जैसे ओपनर हो तो यार आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आपको स्टार्ट मिलेगी? ऊपर से काइल मेयर जैसा प्लेयर, उसको मतलब यार पता नहीं क्यों इन लोगों ने डगआउट में बैठा रखा है। भाई तुम्हें काइल मेयर चाहिए था, तुम्हारे पास मतलब यार 2 ऐसे ओपनर हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है 51.35 का है मेरे ख्याल से, 51.37 के आसपास है, तो ऐसे ओपनर से तुम लोग मतलब यार बहुत कमाल की स्टार्ट मतलब यार अपेक्षाएं कर रहे हो क्या? देखो कल के मैच में शुरुआत में ही ना केएल राहुल की मतलब यार पीआर होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब केएल राहुल कैच पकड़ा, अरे भाई साहब केएल राहुल ने कमाल का कैच पकड़ लिया। अगर मतलब यार कोई बॉलर विकेट ले रहा, अरे भाई साहब केएल राहुल की कैप्टेंसी बहुत ज्यादा कमाल की रही है, ऐसी चीजें सुन रहा था मैं कमेंट्री में। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मुझे पता था भाई होना यही है, केएल राहुल है भाई वो बंदा, जल्दी आउट हो गया। बताओ इतना बड़ा मैच है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, वहां पर कोई बंदा 5 रन बना के आउट हो जाता है? क्या गंदे तरीके से ही बंदा आउट हुआ है यार, सही में। मेरे ख्याल से इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है ना, डिकॉक हो गया, केएल राहुल हो गया, बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब जितने भी लोग सोच रहे थे कि यार लखनऊ सुपर जायंट्स वाले केएल राहुल को मतलब यार रिटेन करेंगे करके, भूल जाओ भाई, नहीं करने वाले हैं, किस मुंह से करेंगे यार भाई बताओ। मेरे को तो मतलब ऐसी फील आ रही है ना, जो लखनऊ सुपर जायंट्स है पिछले 2 सीजन में जो मतलब यार ये क्वालिफाई कर भी गए थे ना, वो तुक्का ही था यार भाई गॉड। वो गौतम गंभीर का मतलब यार बहुत ज्यादा वहां पर कोई इंपैक्ट था, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज इस साल का इनका परफॉर्मेंस देख रहा हूं, मुझे लग रहा है यार इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है करके। 1-2 प्लेयर्स हैं, वो निकोलस पूरन मार के जा रहा है, बाकी मतलब यार सब ऐसे ही है। रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है भाई, आप लोग बोलते हो कि यार भाई हर सीजन में 300-400 रन बना रहे हैं, तुम ये मत देखो कि यार रन कितने बना रहा है, रन तो बाबर आजम भी बनाता है। स्ट्राइक रेट मैटर करता है T20 में, आपकी टीम को कितना ज्यादा मतलब यार उसका हेल्प मिली है, ये मतलब यार इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये चीज मतलब यार आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में देखने को नहीं मिलेगी। स्टोइनिस जल्दी आउट हो गया, दीपक हुड्डा 0 में आउट हो गया,
फिर पूरन आया, उसने थोड़ा सा मतलब यार मारने की कोशिश की, 27 बॉलों में इस बंदे ने 61 रन बनाए। आयुष बडोनी जल्दी आउट हो गया, उसके बाद मतलब यार कृणाल पांड्या हो गया जिसने 18 रन बनाए। एक अर्शद खान ने थोड़ा सा मतलब यार फाइट बैक दिखाने की कोशिश की। शुरू में तो इस बंदे ने बहुत कमाल की हिटिंग की, लेकिन लास्ट में मतलब यार थोड़ा सा चूक गया, मेरे ख्याल से जिता के आना चाहिए था, बट फिर भी जो भी है यार एक अकेला बंदा था, कितना ही कर लेता, बहुत कमाल की इनिंग्स खेली। लेकिन अर्शद खान से मुझे एक चीज याद आ रही थी कि यार देखो हम लोग हार्दिक पंड्या के पीछे इतना पड़े हुए हैं, यार हार्दिक पंड्या ही हमारे पास एक मतलब यार ऑलराउंडर है, लेकिन नहीं भाई, अर्शद खान बॉलिंग भी करा सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, आपके पास मतलब यार टैलेंट की कमी नहीं है, अगर आप लोग ढूंढने बैठोगे ना भाई आपको ऑलराउंडर मिल जाएंगे। ये लोग मतलब यार करवाते नहीं है, किसी दूसरे प्लेयर को मतलब यार बनवाते नहीं है, बताए तो देख लो अर्शद खान कितना कमाल का ऑलराउंड वाला परफॉर्मेंस करके गया। बाकी इनकी बैटिंग कुछ हुई नहीं यार, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग टीम रही है एलएसजी। पोटेंशियल बहुत ज्यादा था लेकिन यार इन लोगों ने अच्छे से यूज नहीं किया। काइल मेयर्स को इन लोगों को डेफिनेटली यूज करना चाहिए था। मैनेजमेंट को भी यहां पर को बोलना चाहूंगा, जिन बैक प्लेयर्स को इन लोगों ने बैक किया ना भाई बहुत ही ज्यादा गंदा यार। केएल राहुल को स्टेप अप करना चाहिए था भाई। मेरे ख्याल से लखनऊ सुपर जायंट्स का जो ऐसा परफॉर्मेंस रहा ना उसका वन ऑफ द रीजन तो यार केएल राहुल डेफिनेटली है भाई। तुम कुछ भी बोलो मतलब आई नो उसके साथ अभी मतलब यार सिंपथी वाला सीन चल रहा है, पर बंदे ने बहुत गंदा परफॉर्म कर रखा है मेरे हिसाब से तो यार। लेकिन दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करते हैं, ईशांत शर्मा 4 ओवर में 34 रन 3 विकेट, भाई क्या कमाल के मतलब यार ये बंदा बॉलिंग करा के गया, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आया था और खतरनाक इंपैक्ट डाल के गया। खलील अहमद 2 ओवर में 22 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल भाई 1 ओवर में 20 रन, ये भी बंदा मतलब यार 1 विकेट लेके गया था। मुकेश कुमार लास्ट में कितनी कमाल की बॉलिंग कराई, जब मतलब यार खलील अहमद पिट गया था लास्ट 19th ओवर आया मेरे ख्याल से, 20th ओवर आया पता नहीं कहां पर को, बहुत कमाल की बॉलिंग कराई इसने अर्शद खान को, तो ये बंदा 4 ओवर में 33 रन देके गया 1 विकेट लेके गया। कुलदीप यादव 4 ओवर में 33 रन, ये भी 1 विकेट लेके गया। ट्रिस्टन स्टब्स क्या नहीं कर सकता है बंदा, कीपिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, और मतलब यार एक एक और टैलेंट इन लोगों ने अनर्थ कर रखा है जिसका नाम है राशिक दरसलाम, जो बहुत कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं। तो ये मतलब यार दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर रहा, इन लोगों ने भी मतलब यार जो परफॉर्मेंस है लास्ट में दिखाना स्टार्ट किया, वरना ये लोग भी मतलब यार अच्छे कंटेंडर थे। बट दिल्ली कैपिटल्स तो भाई नहीं पहुंचने वाली है, लखनऊ सुपर जायंट्स भी नहीं पहुंचने वाली है, काइंड ऑफ इन लोगों को मिरेकली चाहिए जैसा एक टाइम पे को मतलब यार आरसीबी को चाहिए था, बट आरसीबी के पास टाइम था भाई, इन लोगों के पास अब टाइम भी नहीं है। तो अगर सनराइजर्स हैदराबाद 2 मैच जीत जाती है तो भाई इट्स आरसीबी वर्सेस सीएसके, जो मतलब यार इस आईपीएल का सबसे बड़ा मैच होने वाला है शायद, मतलब यार 2 बहुत ही पॉपुलर मतलब यार टीम्स है, लाइक इनका फैन बेस बहुत बड़ा है, तो वाला मैच देखने में आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा। लेट्स सी मतलब यार कौन सी टीम वहां पर को हाथ मार के जाती है, लेट्स गो आरसीबी। मतलब आई नो आप में से बहुत लोग यार सीएसके वाले भी होंगे, तो मजा आने वाला है, तो आप लोग भी उस दिन मतलब यार डेफिनेटली लाइव में आना। तो यार आज की जो वीडियो बस इतनी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मीम देता हूं, अपडेट देता हूं, बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो जाओ भाई अभी ज्वाइन करो मेरे भाई।